So good morning. Good morning. Good morning, Daishan. बड़ी बवाल चीज है यार ये। वेलकम बैक टू अगेन विद न्यू ब्लॉग। ब्लॉगिंग भी आप देख रहे होगे कि आईफोन से ही हो रही है। देखा होगा आपने कि अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ कुछ माइनस पॉइंट भी मेरे को दिख रहा है। एंड्रॉइड की कुछ कुछ एप्लीकेशन होती है वो अपन इसके अंदर यूज नहीं कर पाते और छोटी छोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये है अपना आईफोन 11 की केबल। सीपीयू के अंदर कनेक्ट नहीं हो पा रही क्योंकि इसका ऑप्शन ही नहीं है। अपलोड्स के लिए मेरे को पिक चाहिए थी, उसके लिए मेरे को ये जो पिक है ये पहले उस पहले वाले मोबाइल के अंदर लूंगा और फिर एक्सेंडर से आईफोन के अंदर लूंगा। छोटी प्रॉब्लम, कभी कभी टाइम वेस्ट होता बस इतना कुछ। इसकी केबल सीपीयू के अंदर डायरेक्ट कनेक्ट हो पाती तो इधर से उधर करने का अपने को लफड़ा नहीं होता। हर एक चीज के लिए अपने को एसेसरीज लेनी पड़ेगी, तो देखेंगे बाद में, लेकिन अभी अपना काम चल रहा है। ये हो रही है कॉपी। पिछले ब्लॉग के अंदर बताया था कि जैसे अपन डेबिट कार्ड लेने गए तो जो डेबिट कार्ड था वो ब्लॉक हो गया था। फिर अपन ने उसको ब्रांच के अंदर वापस ट्राई किया, 1 वीक के अंदर वो जो नया एटीएम था वो ब्लॉक हो गया था, वो वापस रिटर्न से ऑन हो गया था। इस बार मैंने ट्रांसलेशन भी की थी, वर्क कर रहा था। अभी मैंने कस्टमर केयर से बात की तो पता नहीं वापस ब्लॉक बता रहा है। एक बार पहले हुआ, उसको ओपन करवाया, फिर से ब्लॉक हो गया, तो एक बार और चेक करना पड़ेगा। तो अभी अपन जा रहे हैं सीधा ब्रांच के अंदर, देखते हैं पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस रीजन से ब्लॉक हो रहा है। एक बार पहले हो चुका था। वेदर की बात करूँ तो आज सुबह से जो है वो अभी तक धूप निकली नहीं है, मतलब वेदर काफी अच्छा, एकदम ठंडा मौसम है। आज ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि गर्मी है और बारिश होनी भी चाहिए, पता नहीं काफी दिनों से मतलब गर्मी सहज सहक अपन परेशान हो गए। और यहाँ पे आज है फाटक ओपन, वरना वेट करना पड़ता। अभी बैंक के अंदर जाना पड़ सकता है अपने को, ये मार्क्स लेना जरूरी है क्योंकि मार्क्स जो मैंने कल लिया था एक मार्क्स खराब हो गया था, तो अभी एक नया मार्क्स और लेना पड़ेगा अपने को। मार्क्स ले रहा था तो सामने दिग्गी स्कूल, पटेल स्कूल आपको पता होगा, इसके अंदर ही अपन ने पढ़ाई की है 10 तक। पीछे सा गार्डन जहाँ पे हमें यहाँ पे बैठा करते थे हम सारे दोस्त लोग, स्कूल से भाग के कुछ कुछ पुरानी यादें होती है वो याद आ जाती है, कभी कभी सामने दिख जाती है। वो स्कूल थी जो सामने दिग्गी, तो मैंने आपको दिखा दी, वो भी क्या दिन थे। बट बैंक पहुंच चुके हैं एंड चेक करते हैं एटीएम क्या सीन है। एक बार वापस ब्लॉक हो गया तो अभी मेरे को कल वापस जाना पड़ेगा बैंक के अंदर। अभी अगर मैं 20 मिनट पहले चल जाता वहाँ पे तो जो काम है वो मेरा कंप्लीट हो जाता, बट लेट हो गया। और फर्स्ट दिन तब मैं उसको नया नया लाया था, तब भी सीन कुछ ऐसा ही हुआ था और अभी भी सीन कुछ ऐसा हो गया। दूसरी बार ब्लॉक हो चुका है, मैं मतलब खाम अपन आए, बट ये कन्फर्म हो गया कि हाँ जो डेबिट कार्ड है वो ब्लॉक हुआ है। तो 3-4 दिन से ये नहाए नहीं है तो आज इसका टाइम है नहलाने का, और मैंने इसको बांध दिया था कि ये कहीं पे जावे नहीं था। मेरे को पता है तेरी आदत, नहाने से बहुत ज्यादा डर था, और अभी ये है ना खुला रहता तो हिसाब से अभी ये बोल रहा है कि मेरे को खोल रहे। तो अभी इसको लेके चलते अपन छत पे। ये चेकी भी आ गया, लेकिन चेकी को कल ही नहलाया था। चलो इसन को निलाने का पूरा बंदोबस्त हो चुका है। अभी मेरे को कंफर्म नहीं है कि मैं इसको निला पाऊंगा, नहीं लेना पड़ेगा कि मैं अकेला हूँ, और जब भी इसको निलाता है तो मतलब दो जने तो साथ में चाहिए। ये नहाने से काफी ज्यादा डरता है, मतलब ये जो छोटा था, और छोटे की पिक या वीडियो आपको
साइड में दिख रही होगी। ये जब छोटा था ये तब भी शैतान था, मतलब बचपन से ही कोई कोई होता है ना बचपन से शैतान होता है, तो ऐसा ही कुछ इसके साथ में। अभी करीबन ये 4 से 5 महीने का हो चुका है, ये ना तो ज्यादा बड़ा हुआ और ना ही ज्यादा छोटा, मतलब बीच का है। और फिर भी ये जो है मतलब काफी ज्यादा ताकत है, मतलब अपने से जो है कंट्रोल नहीं हो पाता। ये धूप भी अभी थोड़ी थोड़ी निकलने लग चुकी है, तो टाइसन को फायदा होगा, सर्दी नहीं लगी। कुछ ना कुछ होने वाला है, तू नहाने वाला है, अब कैसे भागेगा? कहना भी नहीं मानता ना, इसलिए क्या करे, बांधना पड़ रहा है। कहना मानता हो तो तेरे को बांधना नहीं पड़े, समझा ना तू। सेट बैठ है, बैठ। ऐसे करते क्या नहाने से? गंदा बदबू आ रही है तेरे में, कितनी पता तेरे को कितनी बदबू आ रही तेरे, चिल्लाता रहता दिन भर। नहाएंगे ना अपन, नहाएंगे। जैसे ही पानी को देखा है वो थोड़ा सा डर चुका है, और अभी मैंने सोचा था कि पाइप का थोड़ा प्रेशर ज्यादा होगा, बट अभी थोड़ा पाइप थोड़ा सा लीक है, बट एडजस्ट करना पड़ेगा। और अभी तुम देख सकते हो कि कैसा सीन कर रहा है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने इसका तो इसी मजे को लेने के लिए मैंने ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ। मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, कंट्रोल कैसे कर रहा हूँ? आपको लग रहा होगा कि आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, ये इसके अंदर जो पावर है वो काफी ज्यादा है। मेरे से 1% भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। और ये इसने कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। अभी मैंने इसको सिर्फ थोड़ा सा पानी गिराया जिसके अंदर भी ऐसे करने लग गया, तक तो शैम्पू भी बाकी है, बता है तेरे को। तो ये सेकंड बार ट्राई कर रहा हूँ अभी इसको। गुड बाय, गुड बाय। तो टाइसन को पूरी तरह से अपन ने बांध दिया है, स्टार्ट हो चुकी है, और काफी ज्यादा डर रहा है, मतलब आई थिंक मेरे को काट भी सकता है, मेरे को तो लग रहा है, लेकिन काटेगा नहीं क्योंकि मुझे इस पे ट्रस्ट है। भाई जैसे देख सकते हो मुझे भी गीला कर चुका है, अभी इसके शैम्पू लगाना बाकी है। तो जैसे कि तुमने देखा कि मतलब कितनी मुश्किल से नहलाया इसको, और अभी पूरी छत को मतलब इसने सर पे ले लिया है, इधर से उधर इधर से उधर, मेरे को भी पूरा गीला कर चुका है, देख सकते हो तुम। पूरे 1 सप्ताह के बाद में मैंने इसको नहलाया, पेंट जो है वो पूरी तरह से गीली हो चुकी है। तो अभी फटाफट चलते हैं नीचे, यही बताना था आपको कि आप लोगों को थोड़ा सा मजा आवे नीचे जाने की, बोल रहा है। चलते चल रहे चल रहे चल रहे नीचे चल रहे ना चल रहे गुड बॉय। इतना में गुस्सा, इतना गुस्सा। गुड बाय, गुड बाय। अपनी गुड बाय। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना। सो वही।